ओके जी, पहला पेपर है फिजिक्स का और अब हम करते हैं पहले चैप्टर की तैयारी, चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है जॉन आर टेलर। ओ, क्या हुआ है, पढ़ने का मूड नहीं है? अबे पागल है क्या, ये ऑथर का नाम है, चैप्टर का नाम नहीं है। इसने करानी है हमें तैयारी बेटा, इसके सर पर है ना 100 में से 200 ही आएगा। बातें सुन लो इससे, मुझे हर चीज याद रहती है। भाई हमारे ग्रुप का एक रूल था कि पहली क्लास और आखिरी क्लास मिस नहीं करनी, तो सर ने पहली क्लास में बताया था कि ये ऑथर का नेम है। अच्छा यार बस भी कर दो, तुम दोनों तो मौका ढूंढते हो मुझे जलील करने का। स्ट्रेस हुआ हुआ है इतना, बंदे को भूल जाता क्या हो गया। चलो स्टार्ट करो चैप्टर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अच्छा इसमें ना यार 4 प्रॉब्लम्स हैं। लो जी ये था सारा रोला, तैयारी हो गई है हमारी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट। टाइम कितना रह गया है यार? 3 घंटे रह गया, नींद भी बहुत आ रही है, सो जाए थोड़ी देर। पहले तो आपको फोन करते हैं, उससे पूछते हैं उसकी कितनी तैयारी हो गई है। पूरी बुक 10 दफा अपनी अम्मी को सुनाता है जुबानी। मैं अभी तुम लोगों के सामने कॉल करता हूँ उसको। इसका फोन भी अभी आना था। हाँ भाई किताबी कीड़े, कितनी दफा किताब याद करके मामा को सुनाई है? पूरे 10 दफा और वो भी किसी गलती के बगैर। देखा मैंने क्या कहा था। अच्छा जी तो बेटा हमने सिर्फ 1 रात में फिजिक्स की ऐसी तैयारी की है ना कि लग रहा है फिजिक्स लिखी है हमने। अच्छा ऐसे भी हो जाता है? हाँ जी बेटा हमने की है। बेटा पेपर फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का है। In the action system, the real number A is measured along x-axis. हीना मेरी बात सुनो, तुम एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के आगे लड़के ना मेरे पीछे लगे हुए हैं। और मेरी बात तो सुनो, वो जो सबूती नहीं लंबे मुंह वाली, कल वो कह रही थी ये तो हीना ना ये घोड़ों की तरह मुंह बनाते हैं, मैंने तो उसका मुंह तोड़ दिया। मैं कहा खबरदार मेरी दोस्त को बात की। क्या उसने वाकई ऐसे बोला? मैंने उसका मुंह तोड़ देना यूनिवर्सिटी आके। वैसे मैं वाकई घोड़ों की तरह मुंह बनाती हूँ। नहीं तुम तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो। हाय अच्छा और बताओ मुझे, और कौन कौन बातें करता है? फिर किसी को बताना ना, ये जो रीता वाला ग्रुप है ना ये तो हमारे बड़े में बहुत घटिया बातें करता है। खुद तो इनको देखो मुंह पे ऐसे मेकअप फोकती रहती है जैसे किसी फैशन शो में आई हुई है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो अभी। ओफ नो। अच्छा नीलम बस करो, सुबह पेपर है अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ हिन्ना तुम पागल हो, पेपर से ज्यादा ना इज्जत की टेंशन होनी चाहिए। पेपर तो सारी जिंदगी होते रहेंगे, इज्जत एक दफा चल जाए ना कभी वापिस नहीं आती, स्पेशली लड़कियों की। अच्छा अच्छा बताओ बताओ मुझे। अच्छा ये ऐसी सारी बातें हिन्ना, टाइम में 11 बज गए, पापा ने मुझे डॉक्टर और कहा आने भी नहीं देना, तो ना अभी मैं निकलती हूँ ठीक है। कितनी अच्छी दोस्त है मेरी। आज तो इसका टाइम है सही तय किया, फर्स्ट अब मैं ही आऊंगी घड़े के मुंह वाली। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेवंथ लॉ ऑफ मोशन। अबे साले थर्ड सॉरी, ओए इसको क्या हुआ? ओ क्या हुआ भाई, तेरे मुंह के एंगल क्यों चेंज हो रहे हैं? यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। पेपर की वजह से डिप्रेशन हो रहा है? पागल हो? सिगरेट का हो रहा है, सिगरेट का। ले वो क्यों? यार मुझे सिगरेट पिए हुए ना महीना पूरा साल। अबे चुप, पूरा घंटा हो गया यार। और लाडे यार भाई को सिगरेट दिया रे। यार ये है मेरे पास पकड़। चल यार इसको अब खत्म करके ना जल्दी से तैयारी शुरू कर दे। ओए ये छोड़ो, आरत की तैयारी शुरू करो। अबे ओ ये किस दुनिया में चला गया है? क्या यार तुम लोग एक कागज की डिग्री के लिए सारी सारी रात पढ़ते हो, और किसी गरीब की मदद ही कर दो, होना वही है जो
अल्लाह ने दिया है। भाई इसने कोई नहीं पढ़ना है, ये बस सिगरेट पीने आता है, कल से इसको अंदर ना आने दे। झूलेलाल बेड़े एंड दिस इज न्यूटन थर्मस ओह थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हे निदा, आई रियली वांट टू स्कोर गुड इन दिस फाइनल एग्जामिनेशन, सो यू आर माय ओनली एंड लास्ट होप। कैन वी जस्ट कंप्लीट 5 चैप्टर्स टुगेदर? बस कर दे, तुम सारा साल तुमने मुझे मुंह नहीं लगाया, अब पेपर्स आए तो तुम मेरे पास आ गई हो। क्या हो गया निदा, अगर आज तो मुझे 5 चैप्टर्स करवा ही दोगी, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी करो। अच्छा चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई। ये देखो जरा, ये जूनियर है हमारा, इस्लामाबाद से ट्रांसफर हुआ है, कैसा पीस है। क्या यार, तुम हर किसी के पीछे पड़ जाती हो, किसी को तो बख्श दो, चुप करके पढ़ो, पीछे करो इसको, ये देखो। मुझे एक चीज याद आई, कल अयान शॉर्ट्स में कितना प्यारा लग रहा है। क्या हो गया तुम्हें, आगे से एक्सप्रेशंस दे रही हो, थोड़ी सी सुन लो मेरी बातें। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें अहमद के बारे में बताती हूं। अपना मुंह बंद कर लो, तुमने सुबह पास नहीं होना क्या, पढ़ लो चुप करके, थोड़ा सा ध्यान करो इधर। अच्छा मेरी लास्ट बात सुन लो बस, तुम सर अली का नंबर निकलवा दो कहीं से प्लीज। अब तुम ना एक काम करो, अब सर अली से ही पढ़ के तुम पास हो जाना, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही, जाओ यहाँ से। ओहो मुझे याद आया, 10 बज गए हैं, मेरा भाई तो मुझे लेने के लिए आ रहा होगा। तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हें पता है वो कितना प्यारा है, जिस दिन मैंने उसको पहली बार देखा था ना, मैं तो पागल ही हो गई थी, उस रात को मुझे वो चारों तरफ नजर आ रहा था, और उस दिन से मैं उसके ख्यालों में खोई हूं, मुझे मिलवा दो ना उससे। ओह हेलो, वो मेरा भाई है एंड ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, 18 आवर्स की जॉब करता, वो इतना शरीफ है, और तुम मेरी भाभी बनोगी। तुम तो जेलस ही होती रहती हो मुझसे। हाय मेरा समी। ओ हेलो, ख्यालों से ना निकल आओ तुम, और मेरे भाई पे ना आज के बाद आंख उठा के देखना भी मत, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे घर पे आओ। मैं तो एम ही तुमसे दोस्ती कर ली और पेपर्स की तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास आ गई, मेरे पल्ले ना पड़ जाना। आ गया समी, जा रही हूँ मैं, ओके, नेक्स्ट टाइम उसे कॉन्टेक्ट भी मत करना। यार एक दफा तो मिलवा दो। ओ गुस्सा हमजा, कल तू छुट्टी के बाद सर के ऑफिस में क्या कर रहा था? क्या मतलब है तेरा, क्या करने की आता, क्या करने जाता हूँ मैं, 2 बजे के बाद पढ़ने के लिए जाता हूँ, तुम लोगों की तरह आवारा तो नहीं फिरता। अजीब मेरे पर पर्सनल अटैक करते रहते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे तंग करते हैं। पेपर है यार फाइनल, पढ़ने दो, तू तो पढ़ना होता नहीं, मैं आके ना तुम लोगों को तैयारी करवाई है मैंने, तो मेरा ये एहसान है तुम लोगों के ऊपर, बदतमीजियां भी तुम लोगों की बर्दाश्त करूँ और फिर तुम लोगों को पेपर की तैयारी भी करवाऊँ मैं। ओथीटे ओए तमीज से भी अपनी बकवास, हूँ मेरा कब का मैं तुझे बर्दाश्त करूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुछ जानवर हूँ, तू क्यों हंस रहा है? ए तमीज कर, दसा मैं तेनू, मैं नहीं लग रहा तेरे मुंह। फलक मुंह में पढ़ लो, सब पढ़े, पता तुम ऊंची पढ़ो तो मैं बड़ा आता, तुम्हारे नंबर ज्यादा ही आने, टेंशन ना लो। हैं क्या बोला तुमने, पागल हो तुम, मैं अपनी मेहनत से नंबर लेती हूँ, बेशक ऊंची आवाज में पढ़ती हूँ, तुम्हारी तरह तुम्हें ना पुन्नी सर के पास जाके बोलती हूँ फलक के 2 नंबर ज्यादा, मेरे भी ज्यादा करें, रोके नंबर लेने वाली। तुम्हें तो इतनी तमीज नहीं कि किसी के घर आई हो तो मैं मस्जिद से ना माइक ला देती हूँ, उसके अंदर बोल लो ठीक है ना, और वैसे भी तुम्हें बड़ी शोखियां मारने की ना फजूल आदत है। आए हाय फलक और तुबा, बस कर दो, हम पढ़ने आई हैं इधर, पढ़ने नहीं दे रही। तुम दोनों ना 2-2 नंबर के पीछे लड़ लड़ मर जाना, टॉप तो मैं नहीं करना। टॉप करना है तुमने? हाँ ना नीचे से। तुम दोनों को पता है खुश फहमी ना गलत फहमी से ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे ना तुम्हारी इस बात पे कोई लॉजिक नहीं था। मैं भी कुएं जलने की स्मेल किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, वरना तुम राख हो जाते। यार तुम लोग लड़ाई छोड़ो, तुम लोगों ने नहीं पढ़ना, आओ मैं तुम लोगों का मेकअप करती हूँ। ओके